India. Just 29 minutes बचे हैं, तो बस we are about to reach. Guys, finally दिल्ली के सड़कों पे हम पहुंच गए हैं. करण कैसा लग रहा है? जर्मनी से आया मेरा दोस्त इसका सलाम. हैप्पी बर्थडे मेरे भाई. सबसे महंगा बर्थडे पूरे जीवन का. हैप्पी बर्थडे टू यू. सो गाइस, मैं तैयार हो गया हूँ. जो मेरी ट्रेन है यहाँ से फ्रैंकफर्ट जाने की, वो 7:06 पे है और अभी हो रहे हैं एग्जैक्टली 6:06 बज रहे हैं. तो अभी हम 30 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से बानव पे स्टेशन पे. तो मैं 30 मिनट्स में निकल जाऊँगा और 6:30 बजे निकलूँगा. फिर 7:06 में मेरी ट्रेन है जो कि 1 बजे मुझे फ्रैंकफर्ट पहुंचा देगी. और फिर जो मेरी फ़्लाइट है वो है 8:30 बजे रात को. तो चलो आपको दिखाते हैं. बाय बाय, जा रहा हूँ, मिलता हूँ फिर. अबे ए, फिर से बना बैठो. बाय ना बाय. क्या एक्टिंग करूँ? हाँ, एक्टिंग करवाता है. सबको पता लगना चाहिए यूट्यूब में ये एक्टिंग करवाता है. स्कैम चल रहा है दोनों पे. तब भाई सुबह से उठा दिया है गाइस, नींद से उठाया एकदम, सोते हुए बच्चे को उठा दिया. जाना इंडिया खुद है, हैं मुझे. नमन भाई, नमन मेरा बैग पकड़ेगा तब तो पैसे भेजूंगा. लो, थैंक यू. Bye bro, bye. All the best, enjoy. Thanks bro. You too. So guys, अभी जो टाइम हो रहा है 7 हो रहा है 7:02 पर 7 बजे हैं अभी जस्ट. और हमें आना था खाले साले की हाफ वन ऑफ पे और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे. तो हम ट्रैम से उतरे, जस्ट सामने यहाँ पे शॉर्टकट है, तो हमें 4AC पे जाना है. इंडिया. तो जर्मनी में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो यूजुअली ऐसा होता है कि आपको एक दो चेंजेस करने पड़ते हैं. तो हमने सबसे मिनिमम चेंजेस वाला लिया है. तो हमारा एक चेंजेस है सिर्फ, और वो है कासल. कासल हम जा रहे हैं. कासल की ये हाफ वन ऑफ नहीं है, जस्ट उससे एक पहले का स्टेशन है. तो हम आ चुके हैं यहाँ पे. 4AC हमारी जो ट्रेन है यहाँ पे आएगी और इसके बाद हम वहाँ से कासल जाएंगे, कासल से फ्रैंकफर्ट और देन आफ्टर हमारी फ्लाइट्स. नहीं अभी पता है भाई, इंडिया पहुँचने हम लोग खर्चा चालू हो चुका है. ये देखो इंडिया हिंदी में टेक्स्ट देख के कितना सुकून मिल रहा है कि आपका रिचार्ज सफलतापूर्वक हो गया है. तो अब इंडिया जा रहे हैं हम लोग भाई. इंडिया गए नहीं, खर्चे स्टार्ट. खर्चे सही भाई. कितने समय बाद जर्मन में देख के इरिटेट हो चुके थे, अब इतना टाइम बाद हिंदी में देख के इतना अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली अपना जियो बैक हो गया. जियो जी भर के चलो बाय. गाइस अब हम पहुंच चुके हैं फ्रैंकफर्ट. फ्रैंकफर्ट बानो जगह. हाय भाई, बैग बैग टांग के बोलो बोलो. जा रहे चॉकलेट खरीदने. हाँ भाई, चॉकलेट मेरे लिए दो चॉकलेट. तुम मतलब अपने तरफ से मेरे लिए खरीद देना. ठीक है, तुम भी मेरे लिए. ठीक है भाई. फ्रैंकफर्ट का ये कितना गंदा है यार. अरे सुनना, तुम्हें पता भी है फ्रैंकफर्ट ना सबसे रद्दी जगह है, मतलब सबसे अच्छा जगह भी है, सबसे रद्दी जगह भी है. तो मतलब एक्सपेक्टेशन कहीं कहीं अच्छा है, कहीं कहीं नहीं अच्छा है. ठीक है, वही वही बिल्डिंग्स देखो, बहुत बड़ी बड़ी है सब कुछ, बड़ा सिटी वाला प्रॉपर वाइब है यहाँ पे. बट थोड़ा गंदा भी है, लाइक थोड़ा बड़ा सिटीज़ में होता है लोग कर देते हैं, पता नहीं. छोटे सिटीज़ काफ़ी साफ़ सुथरा होता है. तो हम यहाँ पहुँच गए हैं. सो अब हमारे पास 7 घंटे. सेल्फी लेते जल्दी. तो और कितना? 7 घंटे हमारे पास. हाँ हमारे पास अभी 7 घंटे हैं भाई, इतना लंबा अभी यहाँ पे वेट करना है.
तो हम कुछ कुछ खरीद लेते हैं, लाइक कुछ इंडिया में पेरेंट्स को, इसकी गर्लफ्रेंड को ये देगा, फिर ऐसा ऐसा कुछ कुछ खरीद लेते हैं हम। तुम भी तो देगा अपनी गर्लफ्रेंड को? बस कोई नहीं है भाई, मम्मी को देगा। मम्मी को देगा भाई? मम्मी को देगा, मम्मी को देगा मम्मी। अच्छा, थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करना पड़ता है ना गाइस, ईशान बड़ा प्लेयर है ना। सो गाइस, अभी हम कुछ और चॉकलेट्स के अलावा कुछ और शॉपिंग करके लाइक टेडी वगैरह गए थे, जिसमें कि घर से जाने का ये सब सामान मिलता है, तो वहाँ से हम कुछ अच्छा खासा सामान खरीदे हैं, बट बहुत हमारे पास बैग्स वगैरह, आप देखो। फिलहाल अभी हम डोनर शॉप में आए हैं, तो हम आपको दिखा नहीं पा रहे यार कुछ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, इधर उधर लेके जाना पड़ता है, कहीं ख़रीदने भी जा रहे हैं तो हमें ट्रॉली लेके घुसना पड़ रहा है, दो दो ट्रॉली, मेरे पास दो ट्रॉली है, करण के पास भी एक है, और फिर वो वाला बैग है, मेरे पास भी हैंड बैग है, तो वही दिक्कत हो रहा है। अभी हम यहाँ से कुछ खाते हैं और फिर डायरेक्ट जाते हैं एयरपोर्ट, वहाँ सही से हम रेस्ट कर पाएंगे, बैठ पाएंगे, ऐसे काफ़ी टाइम है अभी हमारे पास। कितना बज रहा है? ढाई बज रहा है अभी, ढाई बज रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो क्या करते हैं इधर घूमने से तो अच्छा ही है। छः घंटे तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हम जाते हैं अंदर एयरपोर्ट में, आराम से बैठ पाएंगे। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 2 एयरपोर्ट, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। आपको मैं उधर जो दिखा रहा था, उधर से फिर इसके बाहर ये रास्ता जाती है, ऐसा गेट है, ये बहुत सारा है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं 5 घंटा पहले। हमने को सुनाई दिया 5 मिनट पहले, अब क्या करें? अब बस कुछ नहीं, जाके बैठते हैं और देखते हैं कौन कौन लोग किस किस देर जा रहे हैं लोगों को। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस हम बस बैठेंगे, लूडो खेलेंगे आराम करेंगे। बस बैठते हैं यार, वापस से भूख लग जाएगा, अभी हम खा कर निकले डोनर, अभी पेट 5 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगा। मेरा तो फिक्स है 2-2.5 घंटे में भूख लगना है, निशान का पैसा खर्च करा। चलो कोई बात नहीं। ऑफ कैमरा साला सब लेता है। तो चलो फिर आगे आपको दिखाते हैं हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, बकचोदी जो करते हैं या फिर जो हम स्टार्ट करते हैं अपना इमिग्रेशन और सब। और गाइस, रेट माय लुक, इसको रेट करो। 80,000 के सुए, 80,000 अभी गिर जाएंगे, 80,000 दिखाने। अच्छा लग रहा है भाई, एक ऐसा पर्सनल वो चाहिए था मेरे को। क्या शीशा ले खड़ा देना? अरे फोन है ना भाई, तो तुम है ना भाई, ले खड़ा है ना। हाँ बस, चलो फिर दिखाते हैं आपको आगे। हाँ सो गाइस, ये एंट्री लेते ही एज़ यूजुअल करंट बैग पकड़ रहा है सारा, एक मैं पकड़ रहा हूँ छोटा सा, और ये देखो आप जूम करके दिखाता हूँ, हमारा जो फ्लाइट है अगर आपको दिख रहा होगा 8:30 में 20:30 लिखा हुआ है, UK 2:26 है, दिल्ली जा रही है, और ये एंट्री लेती हैं। अभी हम क्या करते हैं ना, हम चेक इन कर लेते हैं अपना सामान, क्योंकि बहुत लगेज है हमारे पास, तो ये करके फिर फ्री होके बैठते हैं, तो करण सही रहेगा क्या? तो चलो करते हैं। सो गाइस, आई एम डन विथ माय चेक इन हो गया है, अभी करण का हो रहा है, तो वो अभी अंदर है, करा रहा है, तो अभी बैग हमारा हो गया है, अब हमें वेट करना होगा, लाइक अभी भी हमारे पास 3-4 आवर है, तो हम इतना वेट करने वाले हैं यहाँ पे, उसके बाद जब आधा एक घंटा बच रहा होगा तो फिर हम अंदर जाएंगे, तब तक बस यहाँ चिल करते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। चेक इन हो गया हमारा, तो जो हमने फ़्लाइट लिया था, विस्तारा लिया था वापस से, विस्तारा फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली, जो कि पड़ा था 611 यूरोज़ का, और ये जाना आना दोनों है, तो हमारा जो रिटर्न डेट है वो, रिटर्न डेट बताना है? नहीं, तो ये राउंड टिकट था हमारा। सो गाइस, आई एम डन विथ माय इमिग्रेशन, सब कुछ हो गया, बैग ले लिए, और अभी इमिग्रेशन भी हो गया, हमारा बोर्डिंग वगैरह सब कुछ यहाँ डन है,
तो अब बस हमें यहाँ वेट करना है। अभी ये मैं इनकी क्या बोलते करें इसको ड्यूटी फ्री, तो यहाँ की ड्यूटी फ्री में हूँ मैं, और यहाँ पे हम वेट करते हैं, देखते हैं कुछ ख़रीदने लायक हमें मिलता है तो वो आपको दिखाते हैं। और बाकी तो यहाँ पे लेना आई थिंक थोड़ा कॉस्टली ही होगा, यहाँ पे बाहर से तो शायद महंगा होगा, बट बाकी देखते हैं। सो ये है सामने से एंट्रेंस था उधर साइड से, और इधर से घूम के पूरा बस रास्ता है, आप बस शॉपिंग कर सकते हो जहाँ तक। और पता नहीं यहाँ पे ये बस अल्कोहल क्यों भरा होता है, अल्कोहल लड़कों के लिए, अल्कोहल लड़कियों के लिए मेकअप का सामान। तो गाइस मेरा यहाँ पे एक दोस्त मिल चुका है, मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मेरा यहाँ पे दोस्त कैसे हो सकता है। हग कर कर ना अपना फ्रेंड को, इतना दिन बाद मिल रहा है। थोड़ा मोटा है ना भाई, लेकिन ये तो महंगा होगा ना। हेलो, अच्छा अरे ये सुनना भाई, इतना एटीट्यूड क्या दिखा रहा है, मिल रहा है हमें जैसे, मतलब थोड़ी पता था कि यहाँ काम करता है भाई, ये बिकता है भाई यहाँ। भाई देखें इसको यहाँ पे बांध के रखा है, सब मर गया, ये फांसी लग गया। दोस्त है मेरा, कोटा थोड़ी गया था, जर्मनी आया था। अच्छा भाई देखो, इन लोगों को मिलता है एडमिशन, अचानक से हिल गया ना अभी। सूखा सूखा नहीं लग रहा भाई, थोड़ा कमजोर हो गया है। पानी पिला दे क्या। उधर था अल्कोहल का सेक्शन, और इधर है देखिए सिगरेट का, सिगरातन सिगरेट्स था सारा, सिगरेट्स। ये तो पूरा अलग ही शॉप बना दिए है सिगरेट का। एंड गाइस से नो टू स्मोकिंग, इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। और मालबोरो, अरे अरे ब्रांड के हिसाब से क्या ये मालबोरो का, इधर कुछ है ये कोई दूसरा। अच्छा मतलब ऐसे पूरा पैक आता है। अच्छा इसको बोलते हैं 200 पीस अलाउड होता है। हां, फॉर ड्यूटी फ्री से 109 यूरो। कितने होंगे इसमें, मतलब जैसे कि 200। हां तो देखो ना लिखा होगा उसमें। सो गाइस ये वाली चॉकलेट हमने ली थी अभी जस्ट बाहर, तो वो हमें पड़े 6 यूरो में, और यहाँ पे मिल रहा है ये 13 यूरो का। घंटा है भाई, इधर से नहीं लेने का, आप बस खरीद के आओ और चुपचाप फ्लाइट में बैठो और उड़ जाओ, इधर से कुछ नहीं खरीदना है। सो गाइस मैं अपने फ्लाइट के बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। मैं विस्तारा का फ़्लाइट ले रहा हूँ, जो कि मेरा वो टिकट है, राउंड टिकट है, लाइक जाना आना दोनों इसमें, तो मुझे पड़ा 611 यूरोस जिसमें जाना आना दोनों है। और इसमें क्या है कि मुझे दो बैग्स अलाउड है 23 केजी का, स्टूडेंट वाला मैंने करा था, और मैंने विस्तारा की वेबसाइट से नहीं करा इस बार, लाइक मैं इंडिया से जब आया था तो विस्तारा की वेबसाइट से करा था, तो इस बार मैंने विस्तारा की वेबसाइट से नहीं करा है, और बाकी लाइक बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट होते हैं तो उससे करा मैंने, मैं और करण साथ में करें टिकट। तो ये टिकट का दाम था, इसमें हमें बैगेज इतने अलाउड थी, और हैंड बैग ऑफकोर्स एक हैंड बैग होता है, और एक ये वाली बैग हैंड बैग वो, और एक ये वाली स्कूल टाइप वाली बैग, ये दो भी अलाउड था। तो जब इंडिया से आऊँगा तो ये भी अलाउड होगा, तो अभी तो हमारे पास कुछ खास लगेज नहीं है, हम यहाँ से क्या ही लेकर जाएंगे, तो अभी इंडिया से जब आएंगे तो इससे हम अच्छे से यूज़ करेंगे, और उसके लिए भी आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि आप क्या ला सकते हो, लाइक अब मैं यहाँ रह चुका हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, अच्छा खासा टाइम हो गया मेरे को यहाँ, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ चलो क्या चीज़ मेरे को काम आई, क्या मैं फालतू लेकर आया, तो इसके लिए भी आने वाले टाइम पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो आगे दिखाते हैं आपको, अभी सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ डन है। और अभी पता है इमिग्रेशन में ये लोग स्टैंप नहीं लगाए, पता नहीं पहले इमिग्रेशन में स्टैंप लगाते थे, तो अभी स्टैंप ये शायद बंद कर दिए हैं कि पता नहीं क्या, क्योंकि मेरे साथ और भी जितने इंडियंस थे करण और बाकी लोग भी, तो किसी का स्टैंप उन्होंने नहीं लगाया, तो पता नहीं ये अभी शायद स्टैंप नहीं लगा रहे हैं ये लोग, और अच्छी बात है हमारा ही पेज बच रहा है, तो बाकी सही है। पता नहीं भाई, शायद दो फ्लेवर मिक्स है, जैसे मिक्स निकलेगा कॉकटेल भाई, पी के पता नहीं क्या, देख के बड़ा मजा आता है। देख सुंदर तो बॉटल से सुंदर होता है, एक से एक बॉटल। ये तो चॉकलेट है, इधर है दारू, ये वाला दारू देखते हैं भाई, मतलब इधर तो सारा ही वही है। शैंपेन देखो इधर का, चलो शैंपेन देखते हैं, कहां है शैंपेन, कहां है ये वाला, सुंदर लग रहा बॉटल देख रहे हैं, ये देखो इसका दाम देखो, ये नीचे यही है क्या, देख लो आप सही सारा दाम, यहाँ पे महंगा होगा यार एक्चुअली, बाहर इतना ये नहीं है, अल्कोहल तो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है जर्मनी में, तो यहाँ पे 349 यूरोस का एक एक बॉटल भाई, ये क्या है इसमें भाई, ऐसा पता नहीं भाई कौन सा, सॉरी मिल जाता है पी के
सो गाइस सबसे महंगी महंगी बॉटल प्राइस आपको दिखाता हूँ, 2199 यूरोस का ये बॉटल है। पता नहीं क्यों इतना महंगा है, कितना साल पुराना होगा। उधर डेमो चल रहा है, ये डेमो दे रहे पिला कर। गाइस ये पी लो आप, पता नहीं इससे आप कितना जल्दी मरोगे पर कितना जल्दी करीब हो जाओगे वो आप देख सकते हो भाई। नहीं मतलब 700 ml का 3.5 लाख रुपए, मतलब समझ रहे हो क्यों भाई। चकना भी दे रहे लगता है इसके साथ, तो चकना है वो भाई, घास फूस जैसा कुछ। ये देखो नींबू, तो भाई नींबू तो सूख गया है, क्यों लेंगे नहीं लेंगे, बेकार है। ये देखो 500 यूरो का इसमें एप्पल मिल रहा है भाई, स्नो वाइट वाला एप्पल मिल गया। सो गाइस करण मेरे लिए गिफ्ट लाया है, मेरा लाइक नहीं हुआ तो किसी और को दे दिया जाएगा। वो इसको कार के पीछे रखना है भाई, मस्त है भाई ये तो। सो गाइस अभी जो टाइम हो रही है आपको बताता हूँ, 5:45 हो रही है और ये देखिए UK 26 हमारी फ्लाइट अभी भी काफ़ी लेट है, लाइक 8:30 पे है, तो बहुत देर वेट करना है। हमें जाना है E9 पर जाना है हमारी, वहीं पे वही हमारा गेट है पकड़ने का फ्लाइट। फाइनली सबर बहुत ज़्यादा कर लिया अब हम, तो अब हमारी जो है फ्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब हम जाते हैं वहाँ पे बोर्डिंग करा लेंगे। सबसे पहले जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ ना हम लोग फट से निकल गए भाई, हिंदी में अनाउंसमेंट हुआ, जर्मन हाँ, मजा आ गया सुनकर, इंग्लिश हिंदी जर्मन तीनों में हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा। और बस अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले बोर्डिंग करा के बैठ जाएंगे। क्या करें, आगे वाला सीट ले लेंगे, ड्राइवर के बगल वाले लेंगे। चलो घुस के मुद्दे ना सबसे पहले, अरे चलो दिखा। ये देखो सोचे थे हम सबसे पहले आए, सबसे पहले बोर्डिंग करा रहे हैं, बट साला यहाँ पे तो पूरा पहले से ही भीड़ है, तो कोई बात नहीं, हमारा बोर्डिंग हो गया है, मंदिर आके बैठ गए। अभी यहाँ पे सब अपने विस्तारा 26 हाँ UK 26 वाले सब बैठे हुए यहाँ पे, तो सब कुछ डन हो गया है, हमारा सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया है, हमारा वो बेल्ट सब कुछ हटा कर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कराना था, पूरा बैग खाली करना होता, सब कुछ करना होता, तो उसमें बॉडी मशीन से ही चेक हो जाता है, टच करके ऐसे नहीं देखते जैसे इंडिया में, लाइक पहले टर्नल से वो उससे क्रॉस होना होता है मशीन से, उसके बाद फिर वो फिजिकली भी चेक करते हैं, बट यहाँ नहीं करा, तो उसके बाद बस अभी वो भाई में गिरता दिखता है कहाँ बैठे, तो अभी मैं सोच रहा हूँ पीछे कुछ है नहीं, तो चलो अब ऑल डन है, अब बस अंदर जाना है फ्लाइट के। तो यार एक्साइटेड बहुत है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी भी हमें 1.5 घंटा वेट करना है। अभी तो भाई 24 घंटे का ट्रैवल है, मतलब कल रात में पहुँचेंगे हम इस टाइम से एक घंटा और लेट घर पे रांची, दिल्ली पहुंच जाएंगे, लाइक दिल्ली हम 10:30 तक हो जाएंगे क्लियर, बट अभी उसके आगे भी ट्रैवल है, लाइक यार हमारा दो दिन चला जाता है इस पर, क्योंकि हम रहते भी है ना फ्रैंकफर्ट पे। एक दिक्कत बताऊँ, जर्मनी में डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती, स्टॉप चेंज करके फिर उसमें कभी कभी कैंसिल हो जाती है, तो घर से ना 4-5 घंटे का बफर लेके चलना होता है, तो ये दिक्कत आ रहा है। हम कितने 6-7 घंटा पहले आ गए थे कि हम जाकर आकर फिर जा सकते थे, इतना टाइम था हमारे पास, तो वापस खाना खा के आते हैं एकदम, फिर भूख भी लग जाता तो मतलब सही है। चलो हमें खुद भी एक्साइटेड है जाने के लिए, इसलिए हम भी थोड़ा वो कर रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं, अब एक्साइटमेंट और बढ़ गया है, तो मिलते हैं जल्दी से। सो गाइस फाइनली ऑल डन, अंदर जा रहे हैं अब, फाइनली डायरेक्ट हम फ्लाइट में बैठ कर अब जा सकते हैं। अभी भी टाइम क्या हो रहा है, अभी भी आधा घंटा वेट करना है भाई, एक घंटा और लगेगा आराम से। क्यों भाई क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, दिल्ली का मेट्रो हो गया है, क्या भीड़ है यार, इसमें पूरा फ्लाइट भरने वाला है, घंटा टाइम धीरे उड़ेगा, धीरे उड़ेगा भाई। हम लोग सोचे पहले पहले जाके आगे बैठ जाएंगे, सेकंड लास्ट में हमारी सीट और ये सब पहले से उन्होंने दिया है, और ये बार का व्यू
सामने भाई स्क्रीन अपनी, और ये खुलता है यहाँ पे, सामान वामान रख के खा पी सकते हो, वही सेम सिस्टम। बाकी इधर करन जस्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्लाइट, लाइक टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ है इसमें, और ये टाइम अभी इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बस इतना ही है। क्योंकि अभी वो ज़्यादा भी बताएगा नहीं, क्योंकि वो जब चलता है ना फ्लाइट तो उस टाइम बताता है, तो बाकी जब उड़ता है तो आपको दिखाता हूँ। बाकी हम तैयार है, अपना कुर्सियों की पेटी बांध ली है और बस उड़ने के लिए तैयार है। सो गाइस फाइनली चलने लगी है फ्लाइट और हम निकल रहे हैं फ्रैंकफर्ट से। अब बस 8-9 घंटे आराम करना है, सोना है, ऐसे भी रात हो रहा है, फिर सुबह उठ कर निकलते हैं। मजे ही मजे, गोल गप्पा खाने का डोसा भी। हाँ भाई एकदम। सो गाइस हमारा ये फर्स्ट मील आ चुका है, इसमें एक ड्रिंक दिया इन्होंने, पानी है इसके अंदर, और ये ब्रेड है, इसमें शायद पनीर का कुछ है, उधर बटर है और चॉकलेट है, तो बस यही है ऐसा इनका फर्स्ट मील। सो गाइस ये हमारा सेकंड मील था, और जो कि लास्ट मील है, और जो कि मैं आधा खा भी चुका हूँ, तो इसमें पता नहीं उपमा वगैरह कुछ है, वही ब्रेड और इसमें कुछ मीठा था, फिर इसमें ड्रिंक है और इसमें पानी, इसमें बटर, यही सब। और अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं है, लाइक देखो 1 hour 16 minutes में हम दिल्ली में हुए और 664 miles बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं है तो सही है। विंडो बंद तो हमें पता नहीं था, सुबह भी हो गया है, टाइम पास कर रहा था, हम लोग को सनराइज देखना था, वो क्या देखा, वो पता नहीं दोपहर हो गया भाई सर, हमें दूसरा भी विंडो देख के पता चले अच्छा ये तो हो चुका है। तो बस अभी हम 30 मिनट्स में दिल्ली में लैंड कर जाएंगे। एयरपोर्ट में अपना बैग पैक ले लिया और बस कर वॉशरूम चला गया, तो अभी चलते हैं, निकलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर, और मे भी यहाँ पे इमिग्रेशन ना होगा हमारा, बट अगर होता भी है तो कोई इशू नहीं है, बाकी दिखाते हैं आपको आगे। तो हम फ्लाइट से बाहर आ गए हैं और बस आसपास का कुछ ऐसा माहौल है, काफ़ी ज़्यादा धुंध है दिल्ली में, जबकि अबाउट 9:30 हो गया, बाहर चलते देखते हैं ऐसा से। सो गाइस हम बाहर आ गए हैं एयरपोर्ट से, और यहाँ पे ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर का अलग से वो होता है, सेक्शन होता है, तो उसमें जस्ट हम अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट देना होता है, तो फिर वो बस उसको एंट्री कर देते होंगे कि हम आ गए हैं यहाँ पे हमारे जो भी था। और यहाँ पे आते ही हम दिल्ली ड्यूटी फ्री में आ गए, तो अभी इधर हमें कुछ लेना नहीं है, हमें जो लेना था हम ले चुके हैं, बस अपना बैग लेते हैं फ़िलहाल तो, और अपनी नेक्स्ट फ्लाइट, लाइक हम जा रहे हैं यहाँ से फिर रांची, तो वहाँ पे हम उसको शिफ्ट करेंगे, हम चेक इन वहाँ पे वापस डाल देंगे, तो करते हैं ये, और कुछ फ्रेंड्स हमें लेने आए हैं तो उनसे मिलते हैं जाके। तो वैसे हमने लगेज कलेक्ट कर लिया अपना, सारा बैग मिल गया, ये हमारी फ्लाइट थी, हमारे लगेज और हमारा भी मिल गया हमें, अब चलते हैं एग्ज़िट की तरफ। दिल्ली के सड़कों पे हम पहुंच गए हैं। करण कैसा लग रहा है? बस भाई बहुत गर्मी है भाई, बहुत बहुत गर्मी है यार, यहाँ पे इतना भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि चींटियों के झुंड में आ गए लोग, इतना यार, मतलब चल रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक और शोर और गर्मी, ये तीन का जो आदत खानी हमें, ये बहुत गंदा टाइप से, कहने को 12 degrees भाई, फील ना 25 degrees जैसा लग रहा है। हमारे ये जैकेट्स वगैरह ना यहाँ पे और ज्यादा काम कर रहा है, तो और ज्यादा गर्मी लग रहा है, ऐसे
फील तो बहुत अच्छा हो रहा है भाई। अभी बस खाते पीते हैं हम लोग। कहाँ पे? पालिका बाजार कहीं गली में। ये नहीं बताना था क्यों के पास हम लोग उतरे हैं मेट्रो से। गाइस वापस से आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि अभी हमें रांची जाना है। तो हमारा बोर्डिंग वगैरह कर लिया था हमने ऑनलाइन, बोर्डिंग वेब से, तो उसे हमें यहाँ पे प्रिंट ले लिया। अब हमें लगेज को चेक कराना है इस मशीन में, उसके बाद फिर हमें बैठना है। हमारी जो फ्लाइट है वो 6:20 में और हमारा जो बोर्डिंग टाइम है वो 5:35 में। तो चलिए दिखाते हैं फिर आपको बाकी। हमारा एक्चुअली जो लगेज है ना वो एक्चुअली थोड़ा एक्सीड करने वाला है। 25 किलो अलाउड है, बट मे बी बहुत ज़्यादा नहीं, 27-30 किलो उसमें होगा। तो देखते हैं क्या होता है, शायद एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, बाकी फिर मिलता है। सो गाइस हो गया यहाँ पे, हमने बैग रख दिया। बैग में ज़्यादा था वेट, तो क्या हुआ कि हम दोनों ने एक्चुअली, मेरे में 25 टोटल अलाउड था, मेरे में 22.5 था, इसमें 29.5। तो मेरा और इसका मिलाकर उन्होंने 50 के हिसाब से कर दिया, क्योंकि हमने टिकट भी साथ में ही बुक करा था और जो थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा, तो वैसे कोई इशू नहीं है। तो वो हो गया हमारा। अब हम अंदर आ गए और भाई यहाँ पे सिक्योरिटी चेक क्या भयंकर हुआ है। जैकेट ये तक, मेरा जो मेरा पासपोर्ट कवर है इस तक को चेक करा इन्होंने, बहुत ज़्यादा चेक करा है। तो चलो उसमें ही मेरे को बहुत टाइम लग गया, वहाँ पर भीड़ भी बहुत था। सो गाइस फाइनली सब कुछ डन हो गया, फ्लाइट पर बैठने जा रहे हैं। इंडिगो की फ़्लाइट है हमारी, जो अब डायरेक्ट रांची जाएगी। अब फाइनली 8:20 तक रांची पहुंच जाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा थक गया है। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, पिकअप करने के लिए, क्योंकि बैग्स भी हैं मेरे पास, करण का ही बैग्स है। तो मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं हम लोग को लेने के लिए एयरपोर्ट पर ही। सो गाइस ये है अपनी इंडिगो विस्तारा नहीं जाती रांची, तो हम इससे जा रहे हैं। और वहाँ एंट्री, यस ये है एंट्री। मौसम खराब होने के कारण कप्तान ने सिग्नल साइन ऑन कर दिया है। आपसे निवेदन है कि आप स्टैंड पे लौट जाए और कुर्सी के प्रति बांध लें। तो हमारे दोस्त आ चुके हैं बाहर, हम जा रहे हैं बस उनसे मिलते हैं। ग्रैंड स्वागत होने वाला हमारा भाई। क्या लगेगा? इधर भी क्या कैमरा, बहुत कैमरे है भाई, बहुत कैमरे ऐसे ब्लॉगिंग करते। सो गाइस दिस इज दी आर एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट। बाहर जाते हैं, मिलते हैं अपने फ्रेंड से। भाई बहुत थक गए हम और इंडिया आकर हम बहुत खुश हैं। क्या भाई? बस भाई जा रहे, खाना खाएंगे यार। अब तक हम लोग खान नहीं खा पाए अच्छे से, और घर का खाएंगे, अब बाहर का नहीं खाएंगे। जर्मनी तो जर्मनी आके एक टाइम खाया है भाई सुबह से। भाई ना ट्रेडिशन देख लो। नाम क्या है इनका? उनका ये ऐसे ही है, डांस करते हैं सरना। अरे अच्छा। सरना भगवान के वो करते हैं। सब अब तो जर्मन निकलेगा ना।
अभी निकलेगा, अभी निकलेगा, बस कोई बोल दे सामने से रिप्लाई बैक। अरे भैया मेरे मुंह से निकल गया। क्यूरेंसी इंग्लिश एक्सप्रेशन, क्यूरेंसी बिट इंग्लिश एक्सप्रेशन जी इंग्लिश रूम इंग्लिश एक्सप्रेशन नॉट डॉइश इट्स बीन डॉइश एंड डॉइश नाइन इट्स बीन नाइन इंडिया इंडिया Indian from Hearts, Dorshan from Vasco. Finally, yay! Ranchi. मतलब भाई. This is Ranchi Airport. बिरसा मुंडा जी. Finally घर आ गए भाई. हम पे हम आ गए. हर बारी हम पहले आ जा रहे हैं यार. Flight का time कुछ और रहता है और पहले हम आधा घंटा पहले land हो जा रहे हैं. कभी एक घंटा पहले land हो जा रहे हैं. तो अब घर जाते हैं भाई, बहुत थक गए हैं, गंदा टाइप से सर दर्द हो रहा है मेरा, तो हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है घर यार, वो जब तेल वेल लगा के सो गए। अरे उसी टाइम से फर्स्ट फ्लाइट जब लैंड हो रहा था ना, उस वक्त हमारा सर में मतलब दर्द सा हुआ, अचानक से धूप हमने कुछ ज़्यादा देख लिया, आदत भी नहीं था, इम्पैक्ट सीधा चेहरे पे आया ना, तो ना रेस से ना वो दुखने लगा, पता कैसा दर्द है अचानक सूरज को देख लेना कभी, हाँ अभी डायरेक्ट कांटेक्ट, काफी हाइट पे भी थे ना, तो मैं भी पता नहीं क्या था बट था, तो अभी जाते हम लोग को, जब वेट करते कब आएगा उसके बाद फिर। सो गाइस दिस इज माय सेकंड डे इन रांची, सो आज रात हो गई है, कल रात में मैंने लैंड करा था और फिर आज 14th February है, तो आज मेरा बर्थडे है, तो रात में केक कटिंग वगैरह हो गया था और फ्रेंड्स ने भी बाहर कर दिया, बट अभी हम जा रहे हैं खालसा नाम का कोई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम जाएंगे अभी, थोड़ा खाते पीते हैं दोस्तों के साथ, थोड़ा नाइट आउट पे हम निकले हैं और वहाँ पे मिलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है, फिर आपको दिखाते हैं। अब तो वायरल हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है भाई। अभी नया मीम बनेगा मेरा ब्लॉग में। जर्मनी से आया मेरा दोस्त, इसका सलाम करो, ये भी आया, ये भी भाई दूसरा देख क्या ये ब्लॉग वाला ब्लॉग वाला कर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे निशान, भाई का बर्थडे, आजा सब कुछ खा लो, कैमरामैन कैमरामैन फोकस करो, ले भाई प्लास्टिक उठा देते हैं, आ जाएगा थोड़ा मार में, काफी चल ले, दो दे दे आप नहीं खा लेंगे, हम एक ही बार तोड़ेंगे सबको निपटा देंगे, ये एक ही बार में खा गए, बंद कर दे हथियाना मत,
हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, सबसे महंगा बर्थडे पूरे जीवन का। गाना में हो 40 में आना में आज तारे चलते गोली जियो जी भर के चलो बाय।